मुझे पूरा उम्मीद है कि युवा इस बार सही डिसीजन लेगी और कुम्हरार विधानसभा से जो भी प्रत्याशी होगा जात पात में बट के इसको नहीं देखेगी, तब युवा का वॉइस को आगे से आगे बढ़ाएगी। देखिए 15 साल के पहला 5 साल में तो जनता भी जानती है कि बदलाव हुआ था, लेकिन जो दूसरा बाकी फेज जो 5 साल आया उसके बाद जो 5 साल आया इसमें ज़ीरो डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट फेल्यूर है एजुकेशन सिस्टम का, हेल्थ डिपार्टमेंट। चुनाव में मेरा मेन फैक्टर होगा आने का एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हेल्थ को लेकर, और जो जल जमा जिससे पिछले साल आपने देखा कि काफ़ी लोग त्रस्त थे, लोगों के घर में बिजली नहीं था, बहुत घर में चोरी हुई, तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम या कुम्हरार में उतरेंगे। राजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जो ट्रेंड पायलट हैं, आखिर ट्रेंड पायलट होने के नाते वो चाहते तो नौकरी कर सकते थे, पायलट बन सकते थे, मगर उन्होंने ये नौकरी पसंद नहीं की। राजीव मेहता जी, आखिर क्यों? ट्रेंड पायलट होने के बाद से एक अच्छी ज़िंदगी सबको ही चाहता है और आपने ऐसी नौकरी छोड़ दी, क्या वजह है? जब मैंने 2007 में पायलट ट्रेनिंग करके कैलिफोर्निया से वापस पटना लौटा, मतलब 2007 में अमेरिका गया जहाँ से पायलट ट्रेनिंग किया, फिर पटना लौटा। लौटने के बाद उस समय में आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की थी, जिसके कारण से सारा मैं किंगफिशर कैडेट पायलट प्लान में था। मैंने अपनी पायलट ट्रेनिंग वहाँ पे, हमारा 25 लाख रुपया पहला तो डूब गया था, तो बहुत मतलब एक नीचे वर्ग से आने वाले लोग को मतलब बहुत तकलीफ होता है, एजुकेशन लोन लेकर गए थे। फिर आने के बाद वहाँ क्या हुआ, फिर से हमारे घर वालों ने हमें दिया, मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आया तो पूरे वर्ल्ड वाइड उस समय में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुकी थी और जॉब मतलब किंगफिशर बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, तो मैंने धीरे धीरे इसे मतलब ड्रॉप किया। उसके बाद फिर पटना में रह के घर वालों के साथ, घर का बड़ा बेटा था जिसके कारण से बहुत सारी जिम्मेवारी थी, और पटना में रह के 4 साल तो बेरोज़गारी की तरह सोकर बिताया, जो समझ में नहीं आ रहा था क्या करना था। फिर धीरे 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 किसी काम में बिज़ी हुआ, काम में बिज़ी होते होते आज मैंने अपना एक नया शोरूम बनाया है सालासर बालाजी के नाम से, जो इंडिया में टॉप 5 में शोरूम है और ईस्ट का नंबर 1 शोरूम है, क्यूटॉन में वो नंबर 1 पूरे इंडिया में लग्जरी शोरूम में आता है। क्या आप चाहते तो आने, आपने जब 4 साल अपने ऐसे ही बिताए, फिर सोचा कि आखिर क्या करना है, बिज़नेस सेटअप किया, उसके बाद भी आप चाहते थे तो एक अच्छी लाइफ जो है वो व्यतीत कर सकते थे, आप पायलट बन सकते थे, प्लेन उड़ा सकते थे, लेकिन आप राजनीति में आ गए। क्यों प्लेन उड़ाना क्यों पसंद नहीं आया? अच्छी ज़िंदगी होती, क्योंकि राजनीति की ज़िंदगी बताई जाती है कि मेहनत करना पड़ता है सड़कों पर, तो संघर्ष करने को तैयार हैं, एक अच्छी ज़िंदगी छोड़ दी आपने? कभी भी शुरू से हमारा मोटिव पैसा कमाना तो था ही नहीं, पैसा हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, शुरू से ही मतलब ऐसे परिवार से आता था जहाँ पैसे की कभी कमी नहीं रही, लेकिन लाइफ में एक रहता था कि हम लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो गार्जियन का ये दबाव रहता था कि 50 साल 60 साल तक इनका दबदबा घर में रहता था, जब हम लोग ग्रोथ लेते थे तब तक 40-45 के एज पे आ जाता था, तो बहुत कुछ स्ट्रगल के बाद मैंने एक सेटअप उसको लगाया और लगाने के बाद बहुत पॉजिटिव तरीके से बिहार को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया। और राजनीति में आने का विषय था कि 4 साल जो मैंने यहाँ पे बिताया, 4 साल बिताने के टाइम में मुझे पता चला कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ ज़ीरो है। आप कितने युवा हैं जो आँख से ड्रीम सपना देखते हैं, बहुत सपना देखते हैं, बढ़ चढ़ के सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना पूरा होता है? किसी युवा का पटना में जो रहते हैं उनका सपना पूरा नहीं होता है। बेरोज़गारी इस लिमिट पे पहुंच चुकी है ये लॉकडाउन के बाद कि लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जो आत्मनिर्भर लोग थे जिनको रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, जिन्होंने होम लोन लेकर घर बनाया है, आप आने वाले समय में इन लोग की तकलीफ़ आप जब जानेंगे, जो इस लॉकडाउन पूरे कोरोना काल में जो इन्होंने झेला है, बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन का रेंट एक एक महीने का 4-5 लाख है, तो इन पे आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी लोगों ने नहीं बोला कि ये मिडिल क्लास के लिए इन्होंने क्या एजेंडा लगाया है, या तो इन्होंने बिजनेस लॉबी के लिए क्या सोचा है, जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर है जो लास्ट ईयर आप देखे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में चलाया गया था, जो कुम्हरार में पूरा जल जमाव का हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा था, ये सब आपने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में लोग कुम्हरार को पूरी दुनिया ने देखा है किस तरीके से डूब रहा था, लेकिन उसकी आप डेप्थ में जाइए,
उस साल दुर्गा पूजा का समय था, कितने छोटे छोटे वेंडर बेरोजगार हुए थे जिनको खाने पे आफत आ गया। उससे बड़ा क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस ये लॉकडाउन में है। तो इनको आप डिजिटल इंडिया, आपने जो बनाया है डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ताकि युवा खुल कर आ रहे हैं, सामने अपना पक्ष रख रहे हैं और लोगों को जानकारी हो रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वीडियो के माध्यम से एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आज युवा 18 से 20 घंटा मोबाइल पे बिताते हैं। आप उनका फ्यूचर, आप क्या मोबाइल पे बिताने से आपको लगता है कि वो सही से एजुकेशन ले पाएंगे? तो ये सब बेसिक मुद्दा। फिर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए, आप हेल्थ को देखिए, हेल्थ को बहुत करीब से आप जाइएगा तो आप देखिए कि यहाँ पे लोग मर रहे थे, लोगों को एडमिट नहीं लिया जा रहा था। फिर उसके बाद अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि लोगों को जो जिनकी डेथ हो गई, जो नहीं रहे अब, उनको 4-4 लाख रुपए का दिया जा रहा था। तो ये 4 लाख क्या हम लोग उनको स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए उन पे लगाते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। मरने के बाद आप 4 लाख, वो आदमी वापस नहीं आएगा, वो 4 लाख का आदमी थोड़ी था। वो हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा इंटरप्रेन्योर होगा, वो आने वाले समय का हो सकता है कुछ इतिहास लिखने के लिए आया था। लेकिन ये कोरोना काल में आप मरने के बाद उनके परिवार को देखकर, मतलब ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। सरकार को आप पूरे तरीके से विफल मानते हैं? पूरे बिहार में जिस तरीके से काम किया नीतीश कुमार ने कोरोना काल में, या फिर 15 साल जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उससे खुश नहीं है और बदलाव? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि नीतीश कुमार से मैं खुश नहीं हुआ या बदलाव उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये मेरा बोलना जायज़ नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है पटना को बढ़ते हुए, आप पश्चिम दिशा में जाइए तो पटना को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ दिया है, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, कुछ झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता, काम के बल पे आना चाहता हूँ। तो आप, लेकिन आप देखिए, जितने पटना सिटी एरिया हो गया, आप देखिए कुम्हरार विधानसभा हो गया, ये सब जो पुराना शहर था, इसको आखिर क्यों नहीं डेवलप किया गया? यहाँ के लोग क्यों नहीं ग्रोथ ले पाए, इसके पीछे आप बताइए। बाहर से लोग आए, बाहर से यहाँ सेटल किया, उन्होंने ग्रोथ लिया, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं ग्रोथ ले पाए? ये हमारा मेजर एजेंडा में आप रखिए इसको, क्यों नहीं, आखिर क्यों का सवाल कोई तो देगा। एक आप 65 साल के उम्मीदवार चुनकर लाते हैं, 70 साल के, वो कितना तेज़ दौड़ेगा, उनका मानसिकता क्या होगा, वो युवा की तरह सोच पाएगा? आज हम लोग चांद तक पहुँच चुके हैं, आज बैलगाड़ी पे चलने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलगाड़ी हमें नहीं चाहिए, जब दुनिया बुलेट ट्रेन पे चल रही है तो हम बुलेट ट्रेन पे ही चले, ज़्यादा अच्छा। तो युवा शक्ति तो यही चाहता है। हम लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पुणे, जैसे मेरा एजुकेशन सिम्बायसिस कॉलेज पुणे से हुआ, पुणे से जब मैं पढ़ कर आया तो वहाँ का लाइफस्टाइल देखा था, हर कुछ कल्चर देखा था, एनवायरनमेंट देखा था। वहाँ जो 6th में लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा ये नहीं बोलता कि बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बिहार ने तो इतिहास रखा है, टॉप IITian बिहार के होते हैं, टॉप IAS ऑफिसर बिहार के होते हैं, लेकिन इनके बच्चे कभी वापस आते हैं बिहार में? इनका एजुकेशन, इनके बच्चों का कभी बिहार में, जब ये रिटायरमेंट लेते हैं तो वो कभी बिहार में लौटते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा होता है वो बाहर जाता है, क्यों? ये है हमारा असली लैकिंग, जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, कि जो लोग रिटायरमेंट ले, जज रिटायर करे, आर्मी से रिटायर करे, IAS लॉबी से, डॉक्टर से रिटायर करे, तो उनको एक माहौल दिया जाए यहाँ पटना में ही, कि यहीं रहें, ताकि जो पैसा हम बाहर में लग रहा है वो पैसा हमारे बिहार में रुके। क्या कुम्हरार को लेकर के आप बात कर रहे हैं, तो कुम्हरार में समस्याएं क्या है, क्या तमाम चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं? जो विधायक हैं उनके काम को किस तरीके से आप देखिए? कुम्हरार का सबसे मेजर समस्या है जल जमाव, जो आज से 30 साल पहले से एक ही पार्टी को हम लोग वोट देते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने उनको वोट देने का, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से वोट देते आए हैं और निस्वार्थ भाव से उनको वोट दिया है। लेकिन ये जल जमाव आज से कई साल पहले, आप देखिए इन्होंने मुहिम चलाया था जो 3 साल पहले दोनों विधानसभा से पास कराया था, कि ये नहर रोड जो है वो पास करवा कर, लेकिन DPR बना, सब बना, लेकिन ये 3 साल से पेंडिंग क्यों है? जब भी इलेक्शन आता है तो 60 लाख रुपया दे दिया जाता है कि नाला मरम्मत कर दे, तो आप 60 लाख जेन्युइनली देते हैं या लोगों के मरने का इंतज़ार में रहते हैं कि लोग मरे तब बनाएंगे? आखिर क्या बात है? इस आप देखिए, जितने भी संदलपुर और ये सब जो एरिया, जो डूबा हुआ एरिया रहता है, राजेंद्र नगर, संदलपुर, या तो आप बाजार समिति हो गया, यहाँ पे मतलब सोशली आप देखिए तो लोग बहुत गरीब हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, कुछ ही वर्ग के लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जिनका शुरू से खानदानी रहा, हर कुछ रहा, लेकिन कीचड़ में कब तक जाएंगे? हमारे बाप दादा कीचड़ में गुजरे, हम लोग कीचड़ में एक्सेप्टेंस लिए कि चलो ऐसा ही चलता है, लेकिन आज जब मेरा बेटा हुआ है, कल को वो मेरे से सवाल पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूँगा?
उससे नज़र मिला कर क्या, कम से कम आज ये तो है कि मैंने पहल किया, मेरे साथ युवा जुड़ेगा, क्रांति लाएगा, तो ये पहल बहुत बड़ा रंग लाएगा। राजीव मेहता जी, आपको लगता है कि आपसे लोग जुड़ेंगे, जो आपके विचारधारा है, आप चाहते हैं विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, फिर से सुधार की बात करते हैं कि जो चिकित्सा है उसमें सुधार होना चाहिए, क्या इन बातों को बिहार में जो युवा हैं, जो यहाँ पे लोग हैं, वो समझ पाएंगे? क्योंकि अक्सर बिहार को लेकर ये कहा जाता है जाति विशेष वोट हर जगह होता है, या फिर ये कुम्हरार सीट को देखें या फिर बिहार के अन्य सीट को, जिस जात से हैं उस जात को वोट पड़ता है, क्या बिहार के लोग जाति से निकलेंगे इस बार? देखिए, जात की राजनीति तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जात में जब तक नहीं बांटेंगे, जब तक ये वोट बैंकिंग का, आप भी जात की बात करेंगे या फिर मैंने जब आँख खोला है, हमारे आप जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल या हमारा जो भी लॉबिंग है इन सब में देखिए, तो उसमें हमारे मुस्लिम हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं, हर समाज से, कुशवाहा समाज से हैं, चाई समाज से हैं, आपको चंद्रवंशी समाज से हैं, तो जात पात देखकर हम लोग दोस्ती नहीं करते। जब हम लोग युवा लोग जात पात देखकर दोस्ती नहीं करते, तो युवा के दिमाग में ये जात पात का बात डालता कौन? आखिर कौन है जो जात पात का बात डालता है? कहीं ना कहीं तो हमारा सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है जो जात पात के राजनीति करता है। क्या देखते हैं कि जात तो जो चल रहा है बिहार में उससे उठेंगे, आपके साथ लोग आएंगे, आप मानते हैं इस बात को कि आप अगर विकास की बात करेंगे तो आपके विकास के एजेंडे को लोग समझ पाएंगे? मुझे विश्वास है, मैं अपने काम से जो मैंने किया है, लोग जब आएंगे तो हमारे बारे में कंप्लीट रिसर्च करेंगे, हमारा कुंडली निकालेंगे, जो है नॉन पॉलिटिकल आदमी रहा हूँ कभी भी ये नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ हमने सीखा है, ये कोरोना महामारी के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो लोग बोलते थे कि हमारा तो ये फिक्स है, आता रहेगा, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें भी ज़ीरो पे ला के खड़ा किया है, तो ये सीखने की घड़ी थी जो मैंने सीखा है। और मुझे लगता है जेन्युइनली अगर मैं युवा के लिए अगर वॉइस रेज नहीं करूं, तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बहुत कोस दूर कहीं जाकर फेंकाई रहेगी, और इनको हमेशा मैनुपुलेट, दिमाग को इनको मॉनिटर करके डिजिटल मीडिया से, इन सभी से इनको हमेशा मैनुपुलेट किया जाएगा, जो सही मुद्दे पर कभी नहीं उतरेगा। धन्यवाद। राजीव मेहता हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुम्हरार की जो जनता है इस बार जाति के टुकड़ों में नहीं बटेगी, विकास की बात करेगी, हमारे साथ जुड़ेगी। बहरहाल, आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।